मणिपुर का जो हालात है अभी आज 84-85 डेज हो गया है, उसके लिए पूरा जिम्मेदार है केंद्र सरकार। हमने बोला है मोदी जी को, अमित शाह जी को, उसको जिम्मेदारी लेके रिजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन सर, दिल्ली तो लगातार कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, वो कितना काम ये टोटल फेल है, इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। अगर मणिपुर में कुछ हुआ उसका जिम्मेदार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर उसने सही समय में सही कदम उठाया तो वो नहीं हो रहा पता। अगर बीजेपी कांग्रेस का बंधुआ बन के जाएंगे तो आप कुछ नहीं करने पाएंगे, क्योंकि सब लोग बोला है बीजेपी का जो मास्टर मैन है कांग्रेस का वही मास्टर मैन है। लगभग वो सत्ता सेंस होता है, वो सेंस होता है। हमारे साथ असम के लोकसभा एमपी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि देश का जो हाल है उसको कैसे देखते हैं सर। देखिए मणिपुर का जो हालात है अभी आज 84-85 डेज हो गया है, उसके लिए पूरा जिम्मेदार है केंद्र सरकार। हमने बोला है मोदी जी को, अमित शाह जी को, उसको जिम्मेदारी लेके रिजिग्नेशन देना चाहिए। और मेरा मणिपुर भाइयों से, चाहे मैटी हो, चाहे कुकी हो, चाहे नगा हो, जो भी हो, आप जमीन के लिए, अपना हक अधिकार के लिए आपस में मत लड़ो। अगर लड़ा है गवर्नमेंट से लड़ो या दिल्ली से लड़ो, हम आपको मदद करेंगे। आइए, हम भी गण सुरक्षा पार्टी बनाए हैं। अगर कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से उम्मीद नहीं है आपको, तो आइए। हम नॉर्थ ईस्ट में गया, जम्मू कश्मीर गया, जो माओइस्ट बेल्ट का एरिया उसमें भी गया, एमओबीसी वाला उसको भी मिला, मान्य संख्यालघु में सबको बोला है। अभी लड़ाई हमारा आपस में नहीं लड़ना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी, चाहे नॉन आदिवासी हो। लेकिन सर, लड़ाई दिल्ली तो लगातार कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, वो कितना काम ये टोटल फेल है, इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। अगर मणिपुर में कुछ हुआ उसका जिम्मेदार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर उसने सही समय में सही कदम उठाया तो वो नहीं हो रहा पता, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बहाना बनाए मैती और कुकी का लड़ा है। अरे मणिपुर इसलिए इंडिया के साथ शामिल हुआ 1950 में, ताकि मणिपुर का अच्छा हो, भला हो, सुरक्षा हो, उसका लोग का ये हो। अगर अभी भी उन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पहले अपना जिम्मेदारी निभाओ, उसके बाद मणिपुरी को दोष देगा। तो जो भी दुखद या शर्मनाक घटना हुआ है उसके लिए जो जिम्मेदार है उसको तो कानून सजा देगा, उसको हमको ज़रा बोलना नहीं है। लेकिन ये अगेन रिपीट नहीं होना है। आपको अलाउ करना है, एमपी एमएलए जो, पार्टीज हो या संगठन हो, सबको अलाउ करना है। अगर सब लोग जाएगा, वह क्या हिडन पॉलिसी वो जगह रहेगा, तो भी शायद मणिपुर आपस में वो लोग बेच सकते हैं। मणिपुर में सब लोग बंदूक छोड़ दिया था, लेकिन इंडिया ने, गवर्नमेंट, भारत सरकार ने उसको फिर बंदूक उठाने का मतलब जिम्मेदार उन लोग है, यानी कि बीजेपी ही जिम्मेदार है। सीओर बीजेपी का कांग्रेस है, बीजेपी जिम्मेदार है, उसमें कोई दोरा नहीं है। उन्हें जिम्मेदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वही पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास का दावा करती है। देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा लोन है, सबसे ज्यादा पब्लिक का पैसा लग के भागुरा आज हो गया है, तो सबसे प्राइस हाइड है। किस में कमी है? कोई नौकरी नहीं है, कोई जोर जुलम सबसे ज्यादा हो गया है। तो बीजेपी खराबी में एक नंबर में आ गया है। बीजेपी पार्टी लगातार जाती है, तमाम नेता दलित आदिवासी के घर खाना खाते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे खबरें तो दलित विरोधी खबरें लगातार आती है। जूते में पानी पिलाया जाता है, मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, ऐसी शर्मनाक घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासरी गलत है। और ये जो पार्टी, जिसके पार्टी के बिना तले हो रहे हैं, जिसके पार्टी का लग कर रहे हैं, पहले उसको सुधारना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आया हुआ हूँ। हम जितना सारा आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या हमारा बैकवर्ड क्लास, सब मिल के हम ऐसा लोगों को सुन के भेजना है। कोई दलित, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं देखना है, ऐसा लोगों को भेजना है जो आपके लिए सेवा करे, आपके लिए ताकत बने, उसी को भेजना है। इसलिए हमारा तैयारी है, सिर्फ उसको बोलने से नहीं होगा। अगर एक अच्छा वाला सांसद आपके बिना के तले भेज देगा तो भी वो कर पाएंगे। अगर बीजेपी कांग्रेस का बंधुआ बन के जाएंगे तो आप कुछ नहीं करने पाएंगे, क्योंकि सब लोग बोला है बीजेपी का जो मास्टर मैन है कांग्रेस का वही मास्टर मैन है। लगभग वो सत्ता सेंस होता है, वो सेंस होता है, वो तो एक ही लोग है। तो इसलिए उसको सेंस करके फेंक के हम अपने लोगों को वहाँ पे लाना है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये एमपी जी थे और कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी करती है वही कांग्रेस भी करती है। तो बहुजन समाज को जानना है कि उनका कौन नेता है, उनका हितैषी कौन है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।